फ्रेंड्स, हम फिफ्थ क्लास का टॉपिक है जो आर्टिकल्स करेंगे। कल हमने आर्टिकल में यूज़ ऑफ अ किया था। आर्टिकल थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें कल बताया था मैंने, कल वाली वीडियो में, अ एंड द थ्री आर्टिकल होते हैं। कल हमने यूज़ ऑफ अ किया था, आज हम यूज़ ऑफ एन करेंगे। आप बेटा साथ में अपनी नोटबुक निकाल लो, साथ साथ में नोट करते रहना। आर्टिकल एन इज यूज्ड विद वर्ड्स दैट आर स्पोकन beginning a vowel sound. जैसे जो हम शब्द बोलते हैं, बोलते समय जिनसे वोवल की साउंड आती है, ठीक है, जिसमें वोवल की साउंड आती है, कल मैंने आपको वो क्या है उनमें आर्टिकल यूज ऑफ एन करेंगे। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट में वो फाइव हमारे होते हैं जो वोवल होते हैं, अ ई आई ओ यू। इनके साथ हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ये नहीं बेटा कि हमने सिर्फ इनको देख लिया कि अ आया है पहले या ई आया है तो हम एन लगाएंगे, नहीं, जिनसे साउंड निकलेगी। देखो फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन आंट, एन इंक पॉट, एन एलिफेंट, एन आवर। देखो क्या है, एन एप्पल, एप्पल, एप्पल में क्या है हमारा अ आ रहा है, अ क्या है बॉवल, इसलिए एन लगाए इससे पहले। एन आंट में भी अ आ रहा है, इसमें भी, इंक पॉट में भी, सॉरी इंक पॉट में भी आई आ रहा है तो इसमें भी हमने एन लगाया है। एलिफेंट में भी ई आ रहा है तो एन लगाया। ये हमारे सारे क्या हैं, वोवल हैं। अ भी वोवल है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। अब यहाँ आप देखोगे कि आर है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर। इसमें हमारा क्या है, एच साइलेंट है बेटा, ठीक है, हम इसको आर बोलेंगे तो ये हमारा एच वर्ड क्या है, साइलेंट रहेगा, इसलिए हमने क्या है इसमें अ ना लगाकर एन लगाया। अगर हम एच को लेंगे, कंसोनेंट एच, तो एच को लेंगे तो अ आएगा, लेकिन इसको क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि जो बोलते समय वोवल की, जब हम बोलेंगे जो शब्द बोलते समय वोवल से शुरू होंगे ना, उसमें हम एन लगाएंगे। देखो अब हम इसको आर बोल रहे हैं, इसकी आवाज़ आ रही है ओ की, ना कि एच की, एच इसमें साइलेंट है तो इसमें एन लगेगा। आगे देखो, जैसे हम कहते हैं एन ऑनेस्ट, इसको भी हम होनेस्ट नहीं बोलेंगे, एच की आवाज़ नहीं आएगा, एच इसमें भी साइलेंट है, ऑनेस्ट बोलेंगे। एन ऑनर, इसको भी बेटा हम ऑनर बोलेंगे, ऑनर नहीं बोलेंगे, ऑनर बोलेंगे, ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है, एन लगेगा। कुछ और एग्जांपल देख लो इसके, जैसे ही इज ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, हम कह दें कि ही इज, अब आप कहोगे अगर आपको यहाँ ऐसे दे दिया जाए भी अ और एन में से बने,
तो क्या है, आप इसकी साउंड देखोगे, बोल के देखोगे इसको, बी हॉनेस्ट है या ऑनेस्ट है, ठीक है। अगर तो हम आप एच को देखने बैठ जाओगे, एच तो कंसोनेंट है, तो आप ए भर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। इसमें आप क्या भरोगे, एन भरोगे, एन ऑनेस्ट पर्सन। एग्जाम्पल जैसे इट वाज डैश इंटरेस्टिंग फिल्म टू सी, इसमें आपको बोला जाए कि अ और एन में से भरना है। तो आप किसको देखोगे, पहले इंटरेस्टिंग को देखोगे, इंटरेस्टिंग किसकी साउंड दे रहा है, आई वॉवल भी है और ये ई की साउंड भी दे रहा है, तो इसमें क्या भरोगे आप, एन भरोगे। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग फिल्म टू सी। तो बेटा हमने आज यूज ऑफ आर्टिकल एन किया है, आप इसे अपनी नोटबुक पर भी नोट कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।